पिछले दिनों द केरल स्टोरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर फिल्म की चर्चाएं तेज हो गईं। इन सब के बीच कई राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि ये फिल्म सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती है। फिल्म को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चाएं चल रही हैं। इस मूवी का ट्रेलर कुछ दिन पहले रिलीज हुआ। ट्रेलर आने के महज 24 घंटे के अंदर ही इसे 10 मिलियन यानी 1 करोड़ बार देखा जा चुका था। द केरल स्टोरी फिल्म सिनेमाघरों में 5 मई को रिलीज हो गई। कई पार्टियों का कहना है कि इस फिल्म के जरिए केरल राज्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बता दें, वहीं इस फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह का कहना है कि इस फिल्म की कहानी केरल की उन महिलाओं के ऊपर है जिनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS ज्वाइन करने को मजबूर किया गया है। द केरल स्टोरी फिल्म में ये कहा गया है कि इस फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी केरल की ऐसे 4 लड़कियों की जिंदगी पर आधारित है जिनमें से एक मुस्लिम लड़की 3 अन्य धर्म की लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर करती है। इसके लिए उनका अच्छी तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है। बता दें, ऐसे में ये फिल्म भी पिछले साल आई द कश्मीर फाइल की तरह ही रिलीज होने से पहले ही विवादों में आ गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केरल में पिछले कुछ सालों में 32,000 से ज्यादा हिंदू और अन्य धर्म की लड़कियों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया और ISIS में शामिल किया गया। कई राजनीतिक दलों का कहना है कि द केरल स्टोरी फिल्म लव जिहाद पर आधारित है, जिसकी वजह से सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि लव जिहाद शब्द का केरल से पुराना लिंक है। इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार 2009 में केरल की कैथोलिक बिशप काउंसिल में किया गया, जिसमें एक बिशप ने दावा किया था कि बड़ी मात्रा में कैथोलिक लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से हो रही है। 2020 में सीरो मालाबार चर्च ने भी दावा किया था कि क्रिश्चियन लड़कियां लव जिहाद की शिकार बन रही हैं। कार्डिनल जॉर्ज की अध्यक्षता में बिशप काउंसिल ऑफ चर्च ने दावा किया कि बीते दिनों दर्जनों क्रिश्चियन लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया है। वहीं 21 महिलाएं सीरिया भेजी गईं, जिन्हें 2016 में इस्लामिक स्टेट में भर्ती किया गया था। यही नहीं, इस साल एक चर्च ने लव जिहाद से जुड़ा एक हैंडबुक पब्लिश किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि इसे 9 स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जाता है। खास तौर पर स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं, 11वीं और 12वीं की लड़कियों को इसके लिए फंसाया जाता है। जानकारी के अनुसार केरल के एक बिशप जोसेफ कालारंगट ने दावा किया कि धर्म परिवर्तन के लिए मुस्लिम समुदाय लव जिहाद और नारकोटिक जिहाद का सहारा लेता है। यही नहीं, CPM लीडर जॉर्ज थॉमस ने 2022 में CPM के यूथ विंग DYFI के एक सदस्य सीजीन की शादी को भी लव जिहाद कहा था। बता दें कि सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी द केरल स्टोरी अपनी रिलीज से पहले ही काफी विवादों में आ गई थी। इसको लेकर केरल समेत कुछ राज्यों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फिल्म को लेकर आपत्ति जताई थी, वहीं कुछ राजनेताओं ने भी फिल्म को बैन करने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद फिल्म रिलीज हो गई है और वहीं दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। बता दें कि केरल के कॉलेज के 4 महिला छात्रों की यात्रा का पता लगाती है, जो इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बन जाती हैं। फिल्म में योगिता बिहानी, सिद्धि इडनानी और सोनिया बलानी भी हैं। इसे विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय डिजिटल। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और चीज, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।